नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेस्ट एजुकेशन में। और आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ये तीसरा टॉपिक रहेगा इस सीरीज का। इसका नाम है मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़े राज्य, बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। और ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा मध्य प्रदेश सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और ये वीडियो हिंदी भाषा में आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? ऐसे टोटल है 5 राज्य। हम देखते हैं एक एक करके। उत्तर में देखें तो है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में है छत्तीसगढ़, और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। ये टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। भारत के मैप में हम इसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन जिलों की जो पर्टिकुलर राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। गुजरात से टोटल 2 जिले शेयर करेंगे अपनी बॉर्डर, राजस्थान से 10, उत्तर प्रदेश से 14, छत्तीसगढ़ से 6 और महाराष्ट्र से 9। ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो कि अपने बॉर्डर शेयर करेंगे। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज्यादा जिले यहाँ पे यूपी से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। ऊपर से शुरू करेंगे। पहला है मुरैना। मुरैना एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब दूसरा है भिंड, तीसरा दतिया, चौथा है शिवपुरी, पांचवा है अशोकनगर, छठवा है सागर, सातवा है टीकमगढ़, आठवा है निवारी, नौवा है छतरपुर, दसवा है पन्ना, ग्यारहवा है सतना, बारहवा है रीवा और सीधी और सिंगरौली। ये टोटल हो गए 14। 14 ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर उत्तर प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 जिले और हैं यहाँ पे ऐसे मुरैना जैसे कि जो कि अपनी जो बॉर्डर है वो 2 राज्यों से शेयर करते हैं, ठीक है। एक है सीधी और दूसरा है सिंगरौली। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी और सिंगरौली छत्तीसगढ़ से भी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से ऐसे कितने जिले हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, ठीक है। टोटल है 6। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से कितने जिले ऐसे मध्य प्रदेश के हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? तो यह टोटल 9। काउंट कर लेते हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और नौवा है अलीराजपुर। अब गुजरात से टोटल 2 जिले ऐसे मध्य प्रदेश के जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। और अलीराजपुर यहाँ पे अब देखिए ये 1 से ज़्यादा जो राज्य है उनसे अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। पहला तो गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। और यहाँ पे हम देखेंगे बालाघाट। बालाघाट भी 1 से अधिक राज्यों से अपनी सीमा शेयर कर रहा है। अब बचा है राजस्थान। राजस्थान से टोटल 10 ऐसे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं और वो राजस्थान से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। हम काउंट करेंगे यहाँ से। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच और यहाँ से पहुँचे आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ठीक है। ये हम एक एक करके जूम इन करके हम इन राज्यों को इन जिलों को देख चुके हैं जो कि पर्टिकुलर राज्यों से अपनी सीमा शेयर करते हैं। अब सवाल ये आ जाए कि ऐसे जिले बताइए जो कि 1 से ज्यादा राज्यों से अपनी सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था मुरैना, ठीक है। एक था मुरैना, ये मैंने यहाँ कैटेगराइज कर चुका हूँ। मुरैना, मुरैना ऐसा जिला है जो कि यूपी और राजस्थान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा है सिंगरौली। सिंगरौली हमने यहाँ देखा था, सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़ से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद है सीधी। सीधी भी यूपी और छत्तीसगढ़ से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब है बालाघाट। बालाघाट मैंने आपको हिंट किया था कि यहाँ पे ये 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। फिर है अलीराजपुर। अलीराजपुर हम देख चुके हैं। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और अगला है झाबुआ। गुजरात, ये है झाबुआ जो कि गुजरात और राजस्थान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे यदि ये सवाल आ जाए कि ऐसे कितने जिले हैं जो कि 1 से ज़्यादा राज्यों से अपनी सीमा शेयर करते हैं, तो ये टोटल है 6। टोटल है 6, ठीक है। और यदि सवाल ये आ जाए, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि सवाल ये आ जाए कि ऐसे
उन जिलों के नाम बताइए या उन जिलों की संख्या बताइए जो कि मध्य प्रदेश के सीमा में है, ठीक है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर में। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, टोटल गुजरात से 2 है, राजस्थान से 10, उत्तर प्रदेश से 14, छत्तीसगढ़ से 6 और महाराष्ट्र से है 9। तो टोटल ये इनका कैलकुलेशन होता है 41, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ ऐसे जिले भी हैं जो कि 2 बार काउंट हुए हैं, ठीक है, जो एक से ज्यादा जिलों से अपनी बॉर्डर, एक से ज्यादा राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। वो हम यहाँ पे देखे थे टोटल 6, ठीक है। तो 41 में से 6 को कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 35। टोटल 35 ऐसे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर में है, या मध्य प्रदेश के ऐसे 35 जिले हैं जो अन्य राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बहुत ही डीप का क्वेश्चन है, ये आपको जो वेरी हार्ड क्वेश्चन क्वेश्चंस कैटेगरी रहती है वहां पे ये पूछा जा सकता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब ये मैप में हम देख सकते हैं, इसको जूम इन किए, ये मध्य प्रदेश की लोकेशन। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में। मध्य प्रदेश में टोटल संभाग है 10, भोपाल, चंबल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, सागर और उज्जैन, ठीक है। हम यहाँ मैप में देखेंगे इसको, ये है चंबल और ये है ग्वालियर, ये ग्वालियर रीजन आप देख सकते हैं, और अगला है सागर, ये ब्लू में है, अगला है फिर रीवा, और फिर है नर्मदापुरम, यहाँ पे है जबलपुर, ये है सॉरी ये है शहडोल, ये नर्मदापुरम, ये है शहडोल, ये ठीक कर लीजिए, और ये है नर्मदापुरम, और यहाँ पे है इंदौर, ये है उज्जैन और ये है भोपाल, ठीक है। ये टोटल 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये है जबलपुर, सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है शहडोल, ये है शहडोल, जबलपुर से लगा हुआ है शहडोल। और यदि बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो संभाग है वो है इंदौर, ठीक है, ये है इंदौर, इंदौर संभाग। और इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो ये है नर्मदापुरम। इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग के बीच में ही है, ये है नर्मदापुरम। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जिलों के विस्तार की। तो मध्य प्रदेश में टोटल जिले हैं 52, ठीक है, जो 52वां जो जिला है वो बना है निवारी, निवारी बना है। 29 सितंबर 2018 को ये आदेश जारी हुआ था, और ये किस जिले से अलग होकर बना है, ये जिला है टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग होकर ये बना है। टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर, निवारी एवं ओरछा तहसीलें अब निवारी जिले में, तो आप मैप में देख सकते हैं पृथ्वीपुर, ओरछा और निवारी, ये 3 तहसीलें अब किस डिस्ट्रिक्ट में आ गई है, निवारी में। यह जिला 1 अक्टूबर 2018 से अस्तित्व में आया है, और इससे पहले जो 51वां जिला था वो कौन सा था, वो था आगरमालवा। आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, इसे शाजापुर को विभाजित करके बनाया गया था। गठन के समय इसका क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर था, तथा आबादी 4,01,000 थी। और हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिस जिले का है वो कौन सा जिला है, वो है छिंदवाड़ा, और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो है वो है दतिया। आपके लिए एक सवाल, दतिया किस संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, और छिंदवाड़ा किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये 2 सवाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ये इंदौर, इंदौर जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो ये है हरदा, हरदा की सबसे कम, हरदा जिले की जनसंख्या जो है वो जिलों के हिसाब से सबसे कम है, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हरदा। ये मैप आप देख चुके हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये जो सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड भी अपलोड हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप वहां पे क्लिक करके आप उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ये वीडियो अभी अभी शुरू हुआ है, ये सीरीज जो है अभी अभी शुरू हुई है, और ये वीडियो 3rd नंबर का है, ठीक है। तो यदि आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अपना जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं, और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यदि आप बिगिनर हैं, तो आप इस
जो सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।